हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड जोन तो सी 2023 का प्रैक्टिस पेपर यहां पर शानदार तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि साइंस क्लास टेन का है देखिए पूरी स्कीम वैसी की वैसी ही है आपको जो पेपर आएगा बोर्ड में वो 80 मार्क्स का आएगा थ्री आवर्स का होगा सामने इंस्ट्रक्शन आपके दिए रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर वन से और सेक्शन नंबर वन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एम आपके पास क्वेश्चन पेपर सभी को दिए जा चुके हैं क्वेश्चन पेपर आप अपनी कॉपी में देखेंगे या जो आपको पी दी गई है उसमें आप देखिए और उसके बाद आपको आंसर करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा उसके बाद तो सेक्शन ए में देखिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे और हर मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन अवॉइड किया जाएगा वन से लेकर ट्वेंटी क्वेश्चन सुनहरा मौका है एक से लेकर लेवेंटी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और हर मार्क्स के आपको वन क्वेश्चन मिलेगा देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है ओके okay, तो क्या कह रहा है कोई मेटल है और वो मेटल जो है रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो कौन है पी है मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल का नाम बताओ जो कि पी है और रिएक्ट विद द स्टीम यस हां रिएक्ट विद द स्टीम जिसका नाम है क्यू ओके okay, मतलब क्यू कौन है यहां पे रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और आर मतलब कि नो रिएक्शन आर मतलब कि नो रिएक्शन तो देखिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ऑप्शन को देखिए पी में ऑप्शन पी में सोडियम दिया है एल्यूमिनियम दिया है आयरन दिया है कॉपर दिया है कॉपर तो रिएक्ट करता ही नहीं है आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट सा है. है तो 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 में, में, में है एक में भी है मतलब जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला केवल यही है और ये है मतलब ये पक्का हो गया फिफ्टी फिफ्टी का मामला हो गया कि जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा अब आइए आगे बढ़ाते हैं कहानी को अब देखते हैं रिएक्ट स्टीम। रिएक्ट स्टीम क्यू कह रहा है यस ओके और आर कह रहा है नो रिएक्शन तो भाई रिएक्ट स्टीम। स्टीम के साथ साथ कौन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ साथ कौन रिएक्ट करता है ओके okay, इस टीम के साथ साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ठीक है ना इस टीम के साथ साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्योंकि इरे जो एल्यूमिनियम है वो मॉडरेट है तो यहां पे एल्यूमिनियम भी सपोर्ट करेगा और कौन करता है भाई इस टीम के साथ साथ इस टीम के साथ साथ लेड जो होती है वो भी सपोर्ट करती है ओके टीम के साथ साथ जो लेड होती है वो भी सपोर्ट किया करती है स्टीम के साथ साथ आर आर को बताना है ना सॉरी स्टीम के साथ आयरन क्यों की जगह लेड नहीं आयरन तो यहां पे आयरन भी सपोर्ट करता है तो क्योंकि की फॉर्म में दो लोग सही हैं देख लो बच्चों मेरे एक तो एल्यूमिनियम सही है और एक कौन है आयरन सही है यस और नो सही है ना और देखिए नो रिएक्शन की बात की जाए नो no रिएक्शन की बात की जाए तो नो no रिएक्शन में कौन सा होगा जो रिएक्शन नहीं देगा नो no रिएक्शन में कौन सी बात की जाए जो रिएक्शन नहीं देगा भाई तो देखिए रिएक्शन में आपको यहां पे लेड लेड जो होती है यहां पर कोई रिएक्शन नहीं देती तो इस तरीके से जो आंसर मैच कर रहा है सभी ऑल पॉसिबिलिटीज में ऑप्शन नंबर क्या है ए है क्योंकि ए में दोनों ऑप्शन कैरी हो रहे हैं फर्स्ट भी और थर्ड भी फर्स्ट भी और थर्ड भी तो देखिए सिल्वर सिल्वर के साथ ऑप्शन में कॉपर फिट नहीं हो रहा है क्योंकि क्यू तो है सिल्वर नो रिएक्ट है बाकी में सिल्वर ए, ऐसी कोई खास रिएक्शन नहीं देता है मगर क्यू की जगह में कॉपर दिया गया है तो कॉपर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो ये तो कर रहा है बट इसके ना करने कारण ये ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करोगे ओके अब देखिए आगे ये एल्यूमिनियम दिया है पी वाला एल्यूमिनियम। अब भाई पी एल्यूमिनियम तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ क्या ये तो बिल्कुल एकदम ए, उसके साथ रिएक्ट करता है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्लियर हो गया ना तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ए ठीक है ना तो आप आदत बनाइए कि आपको बेस्ट ऑप्शन पकड़ना है और जो गलत ऑप्शनस होंगे उनको आपको अलग भी करना पड़ेगा उसका भी आप थोड़ा सा आदत बना लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मगर पहले उसका हम कंप्लीट सल्यूशन देखते हैं जिससे कि आपको हम पढ़ा भी सकें आगे कि, कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन का सल्यूशन यदि मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से इसका आंसर लिख पाएंगे आइए देखते हैं इसका थ्योरेटिकल सल्यूशन ओके मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद विद द द कोल्ड वाटर लिख लो भाई कॉपी में शॉर्ट ट्रिक बना लो शॉर्टकट कहीं पर बना लो कि कोल्ड वाटर के साथ जो तेजी से रिएक्ट करता है है ना तेजी से रिएक्ट करता है कौन कौन है सोडियम है और सोडियम है और पोटेशियम है तो कोल्ड वाटर के साथ सोडियम है और कौन है पोटेशियम याद रखिएगा इवन बिल्कुल ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर पाते हैं ओके अब देखो भाई स्टीम के साथ साथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं मेटल लाइक एल्युमिनियम मतलब कि देखो जिनको नहाना बहुत पसंद है मैंने किस ट्रिक से पढ़ाया था आपको याद होगा जिनको नहाना बहुत पसंद है वो ठंडे पानी से क्या बर्फ के पानी से भी नहा लेंगे कौन कौन है पोटेशियम और सोडियम अब जो जो थोड़े से नहाने में नानुकुर करते हैं वो जो थोड़े से नानुकुर करते हैं मगर वो कहते हैं कि हमारा मुंह पूछ दो आप भाप से तो वो क्या होते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन और जिंक एल्यूमिनियम आयरन और जिंक डू नॉट रिएक्ट विद विद द आइदर द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं हैं ये कहते है केवल आप क्या क्या करो स्टीम स्टीम दे 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 दो दे दो दे दो है ना एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसी बात पर क्यों नहीं रिएक्शन लिख दी जाए भाई एल्यूमिनियम की अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या होगी रिएक्शन पानी के साथ तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस

ऑक्साइड एफ ई थ्री ओ फोर प्लस कौन सी गैस रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और रही बात कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी में नहाना पसंद नहीं करते एग्जाम्पल के लिए कौन लीड कॉपर सिल्वर और गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल मतलब पानी के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए कभी पानी के साथ हम भिड़ेंगे नहीं बोलो समझ में आया कि नहीं आया चले आगे चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू आ चुका है आपके पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है सभी बच्चों के पास में तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है द फॉलोइंग एक क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड क्या बात है भाई पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन होगी जब नाइट्रिक एसिड के साथ लड़ाई होगी देखना भाई कॉपर जो रिएक्शन होती है थोड़ी सी अलग हुआ करती है आमतौर पे सारे एसिड के साथ जो हाइड्रोजन कैरी करते हैं उनके साथ क्या होता है हाइड्रोजन रिलीज होती है क्या होती है हाइड्रोजन रिलीज होती है मगर भैया नाइट्रिक एसिड में ध्यान रखना जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता क्या कर देता है ऑक्सीडाइज मतलब ठूस देता है ऑक्सीजन क्या कर देता है सामने वाले को ऑक्सीजन ठूस दिया करता है तो ये रिएक्शन आपके पास दीखे कॉपर के साथ भिड़ाया जा रहा है किसको एन कॉपर के साथ एक्स एच एन ओ थ्री को भिड़ाया जा रहा है तो आपको एक्स और वाई को यहां पे कंप्लीट करना अरे यार ये तो बैलेंसिंग वाली आ गई रिएक्शन तो खुद ही रखी है मतलब रिएक्शन भी याद कर लो यहां पे देखो क्या हो रहा है अगर कॉपर के साथ आप एच एन ओ थ्री को ट्रीट करोगे अगर कॉपर के साथ एच एन ओ थ्री को ट्रीट करोगे तो क्या बन रहा है सी यू एन ओ थ्री का क्या बन गया बेटा होल ट्वाइस क्या बन गया होल ट्वाइस इसी बात पर बोलो एक्स की जगह क्या लगेगा टू लगेगा एक्स की जगह क्या लगेगा टू लगेगा तो ऑप्शन में एक्स की जगह कौन बैठा है टू बैठा बोलो हाँ ना पहचान हो गई बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है थ्री को क्यों पता करें समय क्यों खराब करें क्योंकि बाकी में एक ही जगह टू तो बैठा ही नहीं है ना तो बाकी के ऑप्शन तेल लेने गए सीधे आंसर क्या होगा इसका सी बोलो होगा कि नहीं होगा yes, बट रुक जाइए थोड़ा सा भाई एक मिनट रुक जाइए एक मिनट पहले पूरा बैलेंस तो कर ले लीजिए यहां पे देखिए अभी मेरी नजर पड़ी है एनओ टू यहां पर भी बैठा है यार एक मेरी अभी नजर पड़ी एन ओ टू यहां पर भी बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा यहां पे चेंज अपन को करना पड़ेगा रुक जाइए यस yes, तो रुक जाइए थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ पे विचार करना पड़ेगा कर देखिए क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं तो क्या है यहां पे देखिए सी यू प्लस एक्स एच एन ओ थ्री इक्वल टू सी यू एन थ्री होल्ड ट्राइस प्लस वाई एन टू प्लस टू एच टू ओ ठीक है अब चलिए जल्दी से समय लीजिए और इसको पेन कॉपी उठाइए और जल्दी से रिएक्शन को बैलेंस करिए जल्दी उठाइए आपको पेन कॉपी चलानी पड़ेगी इतना आसान नहीं है क्यों नहीं आसान क्योंकि यहां पर एन दो बार आ चुका है एन यहां पर दो बार आ चुका है इसलिए इतना आसान नहीं है ठीक है ना पेन कॉपी उठानी पड़ेगी डब्बे बनाने पड़ेंगे ये देखिए इस तरीके से आपको डब्बे बनाने पड़ेंगे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे एलिमेंट एन लिख लीजिए लेफ्ट साइड में कितने एन हैं लेफ्ट साइड में आपके पास में एक एन है ओके और राइट साइड में कितने हो गए हैं दो और एक तीन हो गए हैं लेफ्ट साइड में आपके पास में कितने ऑक्सीजन हैं लेफ्ट साइड में आपके पास में तीन ऑक्सीजन है और राइट साइड में तीन और दो छः और छः और दो कितने हो गए आठ हो गए हैं ठीक है लेफ्ट साइड में आपके पास कॉपर कितने हैं लेफ्ट साइड में कॉपर आपके पास में एक है और इधर भी कितने हैं वन है और कौन बच गया भाई ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन बचा है हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन पर लेफ्ट साइड में कितना है आपके पास में एक है और राइट right साइड में हाइड्रोजन दो बस दो ही हैं ओके okay? है। आपके पास में कितने हैं दो ही हैं हाइड्रोजन चार दिख रहे हैं ओ सॉरी बेटा चार हैं चार चार बिल्कुल सही है चार हैं ठीक है ना अब चलिए बैलेंस करिए आप लोग चलिए बैलेंस करिए इसको देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे सबसे पहले देखिए आपके पास में यहां पर सबसे अनबैलेंस कौन है तो ये नाइट्रोजन एक से लेके तीन ऑक्सीजन तीन से लेके आठ कार्बन कॉपर है ही नहीं है और हाइड्रोजन एक से लेके चार तो देखो तीन से लेके आठ गया है मगर तीन की टेबल में आठ आता नहीं है आठ के टेबल में तीन नहीं आता है तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन को चार बनाने के लिए यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए चार का तो हाइड्रोजन को चार बनाने के लिए यहां हमने चार का मल्टीप्लाई करा बट ऐसा करने से देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए चार गुणी तीन बारह हो गए बोलिए ऑक्सीजन कितने हो गए हैं बारह हो गए हैं है ना तो देखिए ऑक्सीजन यहां पर टोटल बारह हो गए हैं ओके ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए हैं बारह हो गए हैं अब हमें राइट साइड में ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा बारह करना पड़ेगा अब देखिए अब इधर आ जाइए कॉपर के पास इसके पास में आ जाइए कौन से वाले के पास देखिए अब साथ में नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन आपके पास में कितने हो चुके हैं चार का मल्टीप्लाई करने से चार हो चुके हैं बोलिए हो गए कि नहीं हो गए नाइट्रोजन भी आपके पास कितने हो चुके हैं चार हो चुके हैं और आपको यहाँ पर नाइट्रोजन चार बनाना है आपको यहाँ पर नाइट्रोजन चार बनाना है तो Y की जगह भी आपको कुछ ना कुछ यहां पर लेना पड़ेगा देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को देखिए दो नाइट्रोजन यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं बोलिए है कि नहीं है और यहां पर टोटल आपको चार नाइट्रोजन चाहिए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन चार है और इस तरफ आपके पास में कितने नाइट्रोजन है तीन है अभी देखिए आपके पास में यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं चार और यहाँ पर अभी इसके पहले देखा जाए तो नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट कर रहे थे कितने एग्जिस्ट कर रहे थे कितने एग्जिस्ट कर रहे थे बताइए तीन लग रहे थे तो बताइए चार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार बनाने के लिए हमें दो और दो करना पड़ेगा तो यहां पर वाई की जगह मैं क्या लगाऊंगा दो कितना लगाऊंगा दो अब देखिए नाइट्रोजन यहां पे भी दो हो चुके हैं और यहां भी दो हो चुके हैं तो दो और दो चार हो चुके हैं तो इस तरीके से देखिए यहां पर नाइट्रोजन भी चार करने से बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया हो गया बिल्कुल यहां पर नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है बट ऑक्सीजन देखिए अब यहां पर ऑक्सीजन टू तो, टू ज फोर है ना तो फोर ऑक्सीजन हो गए और यहां से फोर ये हो गए और फोर प्लस फोर और प्लस कितना सिक्स फोर प्लस फोर प्लस सिक्स सिक्स ही हुआ ना देखिए फोर प्लस फोर और प्लस कितना सिक्स कितना होता है चौदह हो गया है मतलब ऑक्सीजन राइट साइड में यहां पर कितने आ गए हैं फोर्टीन हो गए हैं है ना ऑक्सीजन यहां पर कितने हो चुके हैं फोर्टीन हो चुके हैं देखिए आपको समझ में नहीं आया क्या देखिए यहां पर देखिए टोटल ऑक्सीजन यहां पर देखिए चार गुणे तीन कितने हो गए बारह हो गए यहां पर ऑक्सीजन बारह हो चुके हैं और यदि आप यहां पर दो लगा देते हैं तो ऑक्सीजन देखिए यहां पर यदि आप यहां पे ऑक्सीजन इधर पे आपको क्या लगाना पड़ेगा दो लगाना पड़ेगा यहां पे आपने दो लगाया है तो दो गुणे दो कितने ऑक्सीजन हो गए बोलिए यहां पे चार और यहां पर ऑक्सीजन देखिए यहां पर आपके पास में कितने ऑक्सीजन हैं देखिए तीन ये लगा है और ये क्या लगा है दो लगा है तो तीन का डबल कितना हो गया छह हो गया ठीक है ना यस नहीं 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 ये नहीं देखिए ना अरे तीन का डबल थ्री टू जै सिक्स ही तो हुआ ना हाँ तो अब देखिए अपने पास में छह और दो चार दस हो गए और दस और दो कितने हो गए बारह हो गया मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया यस हाँ पहले गलती हो रही थी बिल्कुल सही बात है तो अब बारह हो चुके हैं मतलब ये बैलेंस हो चुका है तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा ए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ए तो कुल मिला के कहने की बात यह है बच्चों की बैलेंसिंग की प्रोसेस को बड़े आराम आराम से करिएगा है ना उसमें थोड़ी सी मैथ्स भी लगेगी तो आराम आराम से करना है चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं चलिए भाई बैलेंसिंग देख लेते हैं ये देखिए बैलेंसिंग क्या करेगी बाय इक्वेटिंग एटम बोथ यहां पर तो मैंने बने बने से ऐसे करना पड़ेगा चलिए आइए क्या आ गया है क्लोरीन फॉर्म डायमे द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का बनाना है सात इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में बोली हाँ तो आठवे को लूटने की कोशिश होगी तीन तीन छह एक साथ भाई देखते ही लड्डू फूटा मन में बोलो सी ऑप्शन दिख रहा दिख रहा सी दिख रहा कि नहीं दिख रहा तो चलिए देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है सी है क्योंकि सात हुआ करते हैं तो सात को एक की ज़रूरत है तो एक 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 इसका सात क्लोरीन का देखिए क्लोरीन का एक एक दो तीन चार पाँच छः ये सात है और दूसरे वाले का ये सात है और इस वाले का क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः मैंने आपको बताया को वैल एंड में जो मेरा है वो तेरा है जो तेरा है वो मेरा है तो इस तरीके से शेयरिंग कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका सी बोलो ठीक है यस yes, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्या लिख दिया इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा इन क्लोरीन मॉलिक्यूल बोथ क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन एंड थस शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए सिंगल कोबल एंड बॉन्ड एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स सो दे एक्वायर द नेट इनर्ट गैस इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस कन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन ऑफ आर्गन आर्गन मतलब क्या होता है बेटा हर एटम जो होता है हर एटम अपने आप में टोटल यहां पर देखिए टोटल अठारह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे हर एटम जो है अपने आप में दस एटम रख लेगा कितना रख लेगा दस तो देख लीजिए यदि इसका देखा जाए आउटर मोस्ट मतलब अंदर के दो छोड़ करके ये देखिए इसके पास कितने हो गए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ ठीक है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो यदि क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में क्या होते थे देखिए अंदर कितने होते थे दो बोले हाँ फिर बाहर कितने दो थे आठ बाहर कितने होते थे आठ और बाहर सात हुआ करते थे तो एक इसने शेयर कर लिया शेयर कर लिया तो कितने हो गए आठ और हो गए तो दो और आठ दस और दस और आठ कितना अठारह अठारह किसका एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का किसका होता है आर्गन था तो यहीं पर यही चिल्ला रहा है ये कि यहां पर ये आर्गन बन चुका है क्या बन चुका है आर्गन और आर्गन बन गया मतलब मोहमाया से निपट गया ये से फ्री हो चुका है मतलब क्या बन चुका है इनर्ट बन गया क्या बन गया इनर्ट बन गया चलो भाई फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए अगला क्वेश्चन हाँ थर्ड क्वेश्चन डन फोर्थ क्वेश्चन ओहो खिड़की बनी है यहां पर तो पता है ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना पड़ता है कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है है ना ये वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी उससे ही आपको करना पड़ेगा अ मोर रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल मेटल लेस फ्रॉम द रिएटल्टिटलोइंग सेट ऑफ द द लेटर भाई पता है हमको बात तो फ्रॉम फॉलोइंग सेट्स ऑफ द ऑफ द रिप्रेजेंट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ बूथ द पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल रिएक्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट पिक्चर दे रहा है कौन सी सही है कौन सी गलत है देखो भाई सबसे पहले दी गई है एल्यूमिनियम के बारे में एल्यूमिनियम ए एल टू एस ओ फोर थ्री सॉल्ट को रिप्लेस करेगा कहरा नहीं करेगा ओके एल्यूमिनियम कॉपर को भगा देगा लिख रहा है हाँ भाई ये ये रूट नहीं है ये ट्रू है क्या है ये ट्रू है ठीक है ना और फिर एल्यूमिनियम एफ को भगा देगा कान का मंगल जानू फैदम हाँ एफ ई एस ओ फोर है बेटा ये जी ओ फोर नहीं है एफ ई एस ओ फोर है और जिंक एस ओ फोर भाई आ, 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 जो एल्यूमिनियम है सबसे ऊपर है एल्यूमिनियम सबसे क्या है ऊपर है बाकी सब तो नीचे है जानू भी नीचे है फैशन भी नीचे है कॉपर भी नीचे है और खुद तो खुद है खुद को क्या रिप्लेस करेगा बेचारा है ना तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे पहले ही नज़र में दिख गया बोलो क्या है ए है बाकी आप देख लीजिए अपने जनरल नॉलेज के लिए है ना चलिए मैच करें आंसर

कैन डिस्प्लेस फ्रॉम द एफ एसओ फोर सोल्यूशन मतलब अरे भाई जब पहला हो गया तो हम बाकी की बात ही क्यों करें यार हम बाकी को देखेंगे ही क्यों। क्यों भाई? जब पहला ही हो गया तो सबसे पहले भैया ब्यूटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोमर में याद रखना की नंबर ऑफ कार्बन आइटम सब कुछ सेम रहता है केवल हाथ पैर उठाने का तरीका बदल जाता है बोलो हाँ ना बताया था मैंने तो यस तो मतलब चेन बदल जाती है बाकी सब कुछ सेम रहता है आ जाओ भाई देख लो क्या क्या कैसा है देखो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसो हमारा ब्यूटेन ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं अपन ठीक ना तो देखिए सबसे पहला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट तो ये तो भैया बिल्कुल सही बात है पहला ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है बोलो सी फोर एस टेन है कि नहीं है हाँ सी फोर है अब अगले वाले में देखिए इसको काउंट करता हूँ हाइड्रोजन काउंट करो बेटा एक दो तीन चार पांच छः सात आठ अरे लफड़ा हो गया दस हाइड्रोजन थे गायब हो गया हो गया कि नहीं हुआ आठ हो गए तो ये कभी आइसोमर हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता है बिल्कुल सही अब चलिए देखिए अगला वाला देखिए अगला वाला एक दो तीन चार चार तो ठीक है अब हाइड्रोजन काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसमें भी देखिए लफड़ा कर दिया दो हाइड्रोजन की गुल्ली मार दी बोलो ये हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता है अब इसको देखता हूं ये तो मेरे को पहली नजर में दिख रहा है कि ये होगा बोलो येस और नो है ना सी फोर एच टेन होता है ना ब्यूटेन 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 का सी फोर एच टेन हुआ करता है ना कि सी फोर एच नाइन होता है सी फोर एच 10 होता है तो देखिए ये है अपने पास में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अब इसको गिनते हैं देखिए एक दो तीन है ना? चार पांच छत आठ नौ दस बिल्कुल सही है तो आंसर करेक्ट होगा होगा फर्स्ट फर्स्ट और और थर्ड थर्ड कौन सा आ जाओ भाई ऑप्शन में मिलाते हैं फर्स्ट और थर्ड है क्या बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट एंड थर्ड यस ये देखिए करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट एंड थर्ड ए ऑप्शन ओके फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या होता है भाई क्या होता है स्ट्रक्चर आइसोमर का फार्मूला ऐसे कंपाउंड ऐसे है ना जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम हुए करते हैं मगर उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं आइसोमर भाई पहचानना अगर इसका ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बहुत सरल है केवल गिन लेना यार हाइड्रोजन